मैं एक दिन गलती से खाना खाते समय और उनका भाषण सुनने लगा, तो किसी भी कॉमेडी शो में उतनी हंसी नहीं आती है जितना उनका बात सुन के हंसी आती है। और हंसते हंसते मेरा खाना अटक गया। मैं उस दिन से उनको सुनना, कम से कम खाते समय सुनना बंद कर दिया। जी बिल्कुल। और उनकी वो गलती नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, आज तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। मैं बताता हूँ वो फंसते कहाँ हैं। वो सोचते हैं अंग्रेज़ी में और बोलते हैं हिंदी में। आप उनको खाली ये बात किसी कोई जाके उनसे पूछे, राहुल जी से, राहुल गांधी जी से कोई भी पूछे कि आप ये ऐसा फंबल करते क्यों हैं, आप ये गलती करते क्यों हैं, तो वो आपको नहीं अगर बताएं तो आप उनको बताइएगा कि आप ना सोचते हैं अंग्रेज़ी में और बोलते हैं हिंदी में, यहीं फंस जाते हैं। जिस दिन हिंदी में सोचना शुरू कर देंगे उनको कोई गलती नहीं होगी और वो फंबल मारना बंद कर देंगे। मतलब जिस दिन हिंदी में सोचना और हिंदी में बोलना शुरू कर देंगे, देश की जनता स्वीकार लेगी? देश की जनता तब स्वीकारेगी ना आपको, जब आप समझ पाएंगे। आप सोच रहे हैं कहीं और के जो कल्चर के हिसाब से, और आप चाहते हैं कि बात करें हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में, तो वो कैसे संभव है, होगा ही नहीं। राहुल गांधी दो दो जगह से नामांकन कर रहे हैं, एक जगह से कर भी चुके हैं। जी, तो क्या कहेंगे आखिर, किस क्या नौबत ऐसी आएगी? अच्छी बात है, उनको दो जगह क्या पांच जगह करना चाहिए, वो इतने बड़े नेता हैं उनको करना ही चाहिए उनको। देश के बाहर से भी आपने कहा कि ऐसा। हाँ, अगर उनको वो तो चूंकि उनका जो जुड़ाव है और उनका जो संबंध है वो इटली से भी है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ तो कर ही रहे हैं, आपको तो वहाँ भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं।